गुड़हल, हिबिस्कस अरोजा साइनेंसिस, फैमिली मालवेसी। इसके फ्लावर को हम देखते हैं। इसका फ्लावर कंप्लीट है। इसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रूसियम, गाइनोसियम, चार होल बनते हैं, चारों कंप्लीट हैं। इसके अलावा इसमें ब्रैक्ट भी पाया जाता है। ब्रैक्ट कहाँ होते हैं? देखिए, ये जो थैलेमस के पास यानी स्वोलन पार्ट के पास ये छोटे पतले पतले स्ट्रक्चर्स हैं, ग्रीन ग्रीन दीज स्ट्रक्चर्स। 1, 2, 3, ये पांच है नंबर में। ये और भी कुछ फ्लावर्स हैं नीचे की ओर, नंबर में 5 होते हैं। तो इन पोर्शंस को ब्रैक्ट कहा जाता है। फिर इसके ऊपर के पोर्शन को जो ग्रीन ग्रीन कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी पांच हैं और जुड़े हुए हैं, यानी गैमो कंडीशन है। इसको सेपल कहा जाता है। और इसके पूरे गुच्छे को यानी पांचों को मिला करके कैलिक्स कहा जाता है। फिर इस कप लाइक स्ट्रक्चर जो कि ग्रीन पोर्शन है, इसके ऊपर रेड कलर का ब्रिलियंट पोर्शन है, बहुत ही अच्छा। इसको पेटल कहा जाता है और बायो की लैंग्वेज में इसे इस गुच्छे को कोरोला कहा जाता है। इसकी अरेंजमेंट देखते हैं कोरोला की। तो कोरोला की अरेंजमेंट ऐसी है कि इसमें जो एक पेटल है वो दूसरे पेटल के ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन पिछले पेटल के ठीक नीचे है। इस तरह के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है। ऑब्जर्व कर लीजिए ठीक से, इस तरह के एस्टिवेशन को ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है। दिस इज नोन एज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके बाद ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आप येलो येलो कलर के डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यानी इसको मेल पोर्शन कहा जाता है, नॉर्मली एंथर या स्टेमन। इनके वजह से ये गोल स्ट्रक्चर्स यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाता है। ये मिलकर के बनाते हैं। ये न्यूमरस इन नंबर होते हैं, बहुत सारे होते हैं, इसलिए इन्हें इनफाइनाइट वर्ड का यूज़ कर लिया जाता है कभी कभी इनके लिए। अब इसमें से जो येलो कलर्ड के पोर्शन हो गए हैं वो मैच्योर कंडीशन में है, यानी उनके पोलन्स बाहर की ओर हमको दिख रहे हैं। ये मैच्योर्ड कंडीशन में है। दीज स्ट्रक्चर्स हैव पोलन लाइक अपियरेंस। ऑब्जर्व देखिए, छोटे छोटे डॉट 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 येलो 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 पोर्शंस दिख रहे होंगे इसमें। ये येलो येलो छोटे छोटे डॉट, ये होंगे पोलन ग्रेन्स हो गए। जबकि कुछ इमेच्योर पोर्शंस भी हैं, जैसे ये देखिए, ये वाला इमेच्योर है, ये अभी कप शेप्ड में बना हुआ है, ये एंथर कहलाता है। जब ये एंथर मैच्योर हो जाएगा तो इनकी तरह ही ओपन हो जाएगा, फट जाएगा और पोलन बाहर की ओर दिखने लगेगा। तो ये इस पूरे गुच्छे को मिला करके एंड्रूसियम कहा जाता है। इसके बाद फीमेल पार्ट की बात करें तो फीमेल पार्ट गुड़हल में माना जाता है कि ये पेंटा कार्पलरी होते हैं, यानी पांच कार्पल्स पाए जाएंगे इसमें। तो इसको गिनना भी आसान है यहाँ पे, इसको हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्यूब के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं गोल, जिसमें कि इजीली अवेलेबल होता है गिनने के लिए। देखिए, अब यहाँ पे इसे हम काउंट कर सकते हैं। इस ट्यूब के टर्मिनल पे 1, 2, 3 और इसकी ठीक दूसरी ओर 4 एंड 5। देखिए, टोटल पांच हैं। टोटल इनके नंबर 5 होते हैं। ये टोटल 5 नंबर होते हैं, ध्यान से देख लीजिए। इसलिए इसे पेंटा कार्पलरी कहा जाता है। तो ये तो था हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का फ्लावर।